3,350 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में है हेमलकासा गांव। सुना इस छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली रहती है, इतनी बड़ी कि उसमें करीब 90 बच्चे हैं और बच्चों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही जा रही है। यार मुझे तो इनके डेयरिंग बाज मम्मी पापा से मिलना है, कैसे कर लेते हैं ये सब? सो स्वीट। अरे आप चौंक क्यों गए, यही तो है पापा मम्मी डॉक्टर प्रकाश और मंदाकिनी आमटे। हेमलकासा में 50 एकड़ की जमीन पर बसा है ये आमटेज एनिमल आर्क, वो आर्क जो है जंगली जानवरों के बच्चों का पिछले 45 सालों से घर। उनके खाने पीने से लेकर उनकी देखभाल आमटे फैमिली ही करती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हिरन और मोर जैसे हार्मलेस वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, तो आप इन लकड़बग्गा महाशय के बारे में क्या कहेंगे? इस परिवार को तो इस खुकार से भी डर नहीं लगता। तो लोग कहते हैं बच्चों को उठा लेता है, हमारा नाती आएगा अंदर तो इसके साथ भी प्यार से आरनो। ये वैसे तो बहुत डेंजरस होता है, बहुत मतलब क्रूएल होता है तो लोग कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्यारा है। ये क्या कर रहे हैं आमटे जी? यार इनको तो जरा भी डर नहीं लगता। जोर से पकड़ता है लेकिन खून नहीं आया, कभी खून नहीं आने। ये देखें जैसे आपने फैमिली का समझता है मुझे, वो उसकी फैमिली, उसके फैमिली का, वो आपस में जैसा खेलते हैं वो वैसा मेरे से खेल रहा है। वाओ, मैंने सुना जरूर था कि प्यार में बहुत ताकत होती है, लेकिन प्यार से जंगली जानवर फैमिली मेंबर बन जाते हैं ये पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन क्या सारे जानवरों पर भी ये रूल अप्लाई करता है? What about खूंखार तेंदुआ महाराज? I don't believe this। यहाँ तो तेंदुआ ऐसे गले मिल रहा है जैसे मेले में बिछड़ा हुआ भाई हो। तेंदुआ जो जाला जिसको क्रूएल और अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं, सर्कस वाले भी उसको रखते नहीं थे। भालू वो भी बहुत डेंजरस है, जंगल में आए तो आदमी को मार सकता है। लकड़बग्गा, मगरमच्छ और ऑल काइंड्स ऑफ स्नेक्स, तो ये सब है अपने यहाँ पे। इतने सारे कितने प्यार से रहे यहाँ पे, मैं जिंदा हूँ ये उसका प्रूफ भी है कि मैंने कभी उसको ट्रेनिंग नहीं दिया। यार पता नहीं कि आमटे जी में हिम्मत ज्यादा है या कंपैशन, लेकिन उनकी रग रग में अपने पिता के संस्कार जरूर हैं। एक्चुअली डॉक्टर प्रकाश आमटे के फादर मशहूर सोशल वर्कर मुरलीधर देवीदास जी यानी बाबा आमटे की बड़ी इच्छा थी कि हेमलकासा के गांव वालों के लिए कुछ किया जाए। फिर एक दिन डॉक्टर प्रकाश और उनकी पत्नी के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बंदरों को बांध कर ले जा रहे थे। ये नजारा देखकर उनका दिल दहल गया। प्रकाश जी ने उनको समझाया कि जानवरों को मारने के बदले अगर वो उन्हें सौंप दें तो बदले में वो गांव वालों की मदद करेंगे। उस दिन से डॉक्टर आमटे ने ठान लिया कि वो पूरी लाइफ यही हेमलकासा में बिताएंगे। ये हमारी बारात ऐसी निकलती थी साथ में, ये कुत्ता बंदर हिरन और बाघ। काश मैं भी इस बारात में शामिल हो पाता। वैसे देखते ही देखते इनकी वाइल्ड बारातियों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि उन्हें संभालना ज्यादा चैलेंजिंग हो गया। मिसेज आमटे जिनके पहले से दो बच्चे थे अब दर्जन भर वाइल्ड एनिमल्स की भी मम्मी बन गई थी, लेकिन माँ का प्यार बांटते से और बढ़ गया। छोटे बच्चों को देखकर बहुत बुरा लगता था कि इनकी माँ चली गई है, इनकी माँ नहीं है, बिना माँ से ये कैसे बड़े होंगे। माँ का प्यार तो सब बच्चों के लिए सरीका रहता है, बच्चा चाहे जानवर का हो या आदमी का हो। इनकी बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माँ तुझे सलाम। और सबसे OMG बात ये है कि डॉक्टर आमटे अपनी जॉइंट फैमिली कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं अपने बाद भी। उनके तो पोता पोती भी ये प्यार और कंपैशन की लैंग्वेज सीख गए हैं। आश्चर्य लगता है कि मेरी पोती जब से 6 महीने की थी मेरे गोद में बैठ के वो सब जानवरों के साथ में, मतलब पहले तो देखती थी दूर से, लेकिन जब ऐसे नजदीक आते थे तो वो प्यार से उसको सहने लगी। अब उसमें कौन से जानवर है, तो वो हिरन के साथ में भी बैठ के खेलती है, उनको खिलाती है, अभी 1 साल की हो गई। सांप को तो बड़े मजे से वो गले में लेती है। मॉनिटर लिजार्ड है, लकड़बग्गा जो बच्चों को उठाता है ऐसे बोलते हैं लोग, तो उसके साथ भी वो बड़े प्यार से खेलती है, उसको सब जानवरों से लगाव है। यार कहना पड़ेगा कि आमटे फैमिली ने ना ही सिर्फ जंगली जानवरों को प्यार की भाषा सिखाई है बल्कि इंडिया के लिए इंसानियत की मिसाल बन गए हैं। हमारे देश में धर्म तो कई फॉलो किए जाते हैं, लेकिन जब तक हमारे बीच ऐसे इंडियंस मौजूद हैं जो इंसानियत को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, तब तक इंडिया OMG देश बना रहेगा।
घर, ये मेरा इंच।